हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, मॉडल स्कूल राजगढ़ लेके आया आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़। और ये न्यूज़ दोस्तों रिलेटेड है सत्र 2019-20 से जनपद प्रतापगढ़ में जो नए इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल खुलने वाले हैं उसकी परीक्षा दोस्तों राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ में 17 जून को होनी है। और उस परीक्षा के संबंध में लोगों में ऊहापोह था, लोगों में एक जिज्ञासा थी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो विभाग ने प्रतापगढ़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय के द्वारा दोस्तों मॉडल स्कूल में जो भी पेपर होना है उसके संबंध में सिलेबस दोस्तों उसका एक फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। तो आते हैं दोस्तों, पूरे फॉर्मेट को स्टडी करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में दोस्तों देखते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बिंदु शामिल हैं। फॉर्मेट एंड सिलेबस फॉर मॉडल स्कूल एग्ज़ाम, मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 नंबर का रहेगा। और इसमें दोस्तों दो कैटेगरी है, एक प्राइमरी लेवल, एक अपर प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल क्लास 1 से लेकर 5th में जो लोग असिस्टेंट टीचर होना चाहते हैं, जो लोग हेडमास्टर होना चाहते हैं, उनका सिलेबस और फॉर्मेट दोस्तों अलग है। और जबकि अपर प्राइमरी लेवल 6th to 8th में जो असिस्टेंट टीचर होना चाहते हैं, हेडमास्टर होना चाहते हैं दोस्तों, उनका जो है फॉर्मेट अलग है। तो एक एक बिंदु पे दोस्तों देखते हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर हम बातें करें तो प्राइमरी लेवल में इसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है दोस्तों 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो आपका होगा उसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे, वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपको प्रश्न का उत्तर देना है। सेक्शन बी में 5 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न पे 2 नंबर है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आपको उसका दे पढ़ करके तुरंत ही उसको आपको एक ही वर्ड में उसका आंसर दे देना है। सेक्शन सी में दोस्तों 4 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक प्रश्न पे 5 नंबर रहेगा, यानी 20 अंक की परीक्षा होगी। और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, और इसमें कंप्रिहेंशन रहेगा दोस्तों, कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कोई भी गद्य आएगा, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में रहेगा, उस कॉम्प्रिहेंशन पे आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है। सेक्शन डी आपका जो रहेगा उसमें 1 क्वेश्चन रहेंगे, और वो एक दीर्घ उत्तरी टाइप का प्रश्न रहेगा, उसके 10 अंक हैं, ये एसे टाइप का रहेगा। तो दोस्तों इसमें 200 शब्द लिखने हैं, ये 200 शब्द का जो है प्रश्न रहेगा। तो ये तो दोस्तों हो गया प्राइमरी का सिलेबस और क्या फॉर्मेट रहे। अब आते हैं अपर प्राइमरी पे। तो अपर प्राइमरी में भी शुरू में दोस्तों 10 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के, और उसका एक अंक रहेगा, ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और दूसरा सेक्शन भी जो रहेगा 5 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें भी 2 नंबर के रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें सेक्शन बी में प्राइमरी अपर प्राइमरी में कोई अंतर नहीं है। सेक्शन सी पे आते हैं, 4 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों 5 नंबर का, तो इसमें भी वही कंप्रिहेंशन बेस्ड है, कोई अंतर नहीं। बस अंतर सेक्शन डी में है, जो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, इसमें प्राइमरी वाले में 200 शब्दों में लिखना है, यहाँ पे दोस्तों 250 शब्दों का आपका लिखना है। तो आते हैं, ये तो दोस्तों क्या है, कैसे कैसे प्रश्न आने हैं, किस रूप में अंकों का जो विभाजन है वो आपके सामने हुआ। अब सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में प्राइमरी लेवल पे देखिए जनरल साइंस दिया गया है, जनरल मैथ्स दिया गया है, रीजनिंग आपका है, जनरल इंग्लिश है, कंप्रिहेंशन है, एनवायरनमेंटल स्टडी है, जीके है, स्कीम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी स्कीम्स चल रही हैं, और सब्जेक्ट कंटेंट जो होगा वो आपका कक्षा 10 के स्तर का होगा, जो भी यहाँ पर रहेगा प्रश्न आपका पूछा जाएगा मैट्रिक लेवल का रहेगा। फिर आते हैं अपर प्राइमरी लेवल पे जो हैं दोस्तों, वो हैं साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, कंप्रिहेंशन है, एसएसटी है, रीजनिंग है, एनवायरनमेंट, जीके, स्कीम्स ऑफ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें जो सब्जेक्ट का कंटेंट का जो लेवल है थोड़ा उठा दिया गया है अपर प्राइमरी में, ये कक्षा 12 स्तर तक रहेगा। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिया गया है, इसको थोड़ा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। नीचे दिया गया है, पे अटेंशन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट बेस्ड कंटेंट ऑन अपर प्राइमरी लेवल। जो सब्जेक्ट बेस्ड कंटेंट है वो अपर प्राइमरी लेवल पे आप उसका ध्यान दें।
पे अटेंशन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट बेस्ड कंटेंट ऑन अपर प्राइमरी लेवल। तो अपर प्राइमरी लेवल पे जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट का जो बेस है उस पर आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद है पेपर ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल विल बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग स्किल्स इन इंग्लिश। जो भी इसका मतलब दोस्तों ये लग रहा है कि ये जो पेपर आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं रहेगा, तो समझ होनी चाहिए आपको इंग्लिश में जो भाषा है भाषाई पकड़ होनी चाहिए। और ये तो रहा दोस्तों आपके सामने 50 नंबर का पूरा ये खाका है जो कि आपकी एग्ज़ाम होना है GIC में। तो दोस्तों अभी से ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे से जाएं, अच्छे से आप एग्ज़ाम दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।